Jadi Quran mahfuz, tu Quran
करने वाले, निगरानी करने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, मेहनत करने वाले, रोजगार करने वाले, और इन सब में अपनी दावत के जरिए से उनकी मदद करने वाला तो अल्लाह पाक कबूल कर ले। ऐसा कभी कोई घर बनाए, घर बनाने वाले काम ही करने वाले उसे खत्म कर दे, उसकी मजबूर को खत्म कर दे, ये नहीं। इस कुरान की हिफाजत के साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाले, तालीम लेने वाले, उनके लिए इंतजाम करने वाले, उनका सहारा बनने वाले, वे आम मुसलमानों के लिए जिंदगी के पास साबित होती है कि इस मशवरे में करने वाले हमेशा महबूब रहेंगे, उन्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं। दूसरी हदीस का वाला कि जो इस कुरान पाक की आयत से जुड़ जाता है, अल्लाह पाक इस कुरान की बरकत से कौमों को उठा, उनके मकाम को बुलंद कर, और इससे नहीं उठता अल्लाह पाक से जलील है। मेरे जहन में बात आई, जिस वक्त में मैं यहां पढ़ता था, चंद घर यहां झूठियों की शक्ल में कुएं से आते हैं कलमा बोलो, बाकी पूरे हल्के में ना कोई एक दुकान थी, ना कोई एक महल्ला था, ना कोई एक मकान था, कुरान और हदीस की रोशनी रखने वाला
वो एक डिग्री हासिल करके मास्टर बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए, एक वकील बन जाए, या और कोई दूसरी डिग्री हासिल करके और आला तालीम हासिल करके गलत मुकाम तक पहुंच जाए। यकीनन ये निजाम इस तरीके से इदारों के अंदर बनने जा रहा है, ये आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। मैं इन जज्बात की जो मुफ्ती साहब ने पेश किए हैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले यही प्रोग्राम इमदादिया के अंदर हुआ था, उन्होंने भी जो है बात बयान की कि हम बारहवीं तक के स्कूल इंशाअल्लाह पेश करेंगे। ऐसे ही दारुल उलूम ने अभी जैसा कि हजरत ने हमारे सामने ऐलान पेश किया है कि असली तालीम के साथ साथ में और उसके साथ साथ दीनी तालीम के अंदर भी मुकम्मल तरीके का निजाम पेश किया जाएगा। ये इदारे इस तरीके से आप के सामने रुख पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी मुफ्ती साहब ने एक रिपोर्ट पेश की है मकातिब, हर एक आपने जवाब से बहुत बड़ी तादाद में मकातिब चला गया। हमारा ये दावा कि अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज्यादा मकातिब चला रहा है, बड़ी मुबारक बात मेरे बुजुर्गों। तकरीबन यहां मकातिब के असातिज़ा भी नजर आ रहे हैं और दूसरे मकासिब के जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, शायद ऐसा भी हो कि जिम्मेदार लोगों को बुलाया हो। हमें यहां बुला देना, यहां दावत देना इसलिए नहीं था कि प्रोग्राम देख लें सुन लें बल्कि से सबक हासिल करें। अभी ये बताया गया लॉकडाउन के बाद में इसके अंदर 200 से ज्यादा बार मिला पढ़ते हैं लॉकडाउन के बड़ा नुकसान हो जाता है तालीम के पास से 60 मकातिब के अंदर 300 से ज्यादा बच्चों में काशिफ हो गए बच्चे बच्चे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनिस मान 300 बच्चे बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है तो मुमकिन है 150 हो बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया हो। अगर कम है तो ये सोचने की बात है कि क्या हमारे तलबा इतने हैं, हमारे घरों के अंदर बच्चे इतने हैं, असल तालीम के अंदर रहा करना है हमारे बच्चे असल तालीम के अंदर कौन सी सरकारी स्कूल के अंदर 10वीं तक का 12वीं तक का या और कोई डिग्री हासिल करने के लिए हमारे बच्चे किसी जगह पढ़ रहे हैं या तीन किसी जगह नहीं। फिर जो कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चे हैं वो 150 से भी कम है, वह बच्चियां तो पढ़ रही हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे किस जगह है, वो ऐसे ही घूम फिर करके अपना वक्त जाया करते हैं और हमारे माँ बाप की सही निगरानी और उसकी सही तरबियत न होने की वजह से बच्चा सही मना करके नहीं पढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मकासिब का निजाम बड़ा मुबारक निजाम है लेकिन एक बात ध्यान रखने दिया जाए कि मकासिब का जो निजाम है बच्चियों के लिए है जिसके अंदर कुरान पाक की तालीम का भी साथ में कहीं स्कूल है उसके अतबार से कुछ हिसाब की कुछ लिखने पढ़ने की शुद्ध हो जाए लेकिन बच्चों को हम इदारों से जुड़े तभी हमारा बच्चा आगे बढ़े। अगर रास्ता ही आगे एक मकसद के अंदर बच्चे को जोड़ दिया तो वापिस मंदिर बस मंदिर पूरी हो और वो बच्चा भी समझता है बस एक काम से हो गए आगे उसके सामने कुछ भी नहीं कि पढ़ने के लिए एक इदारे से जुड़ता है पढ़ाने का मुकम्मल होता है तो समझता है हाफिज भी बन एक मुकम्मल होता है समझता है कि मुझे अरबी कोर्स की तरफ भी जाना है मेरी अरबी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी मैं आलिम भी बनूंगा और उसके साथ साथ में असली तालीम भी मेरी मुकम्मल हो जाएगी मैं वो भी हासिल करूंगा। तो अगर इस तरीके से अगर देखा जाए मेरे भाइयों दोस्तों जहां मकातिब के जरिए से आम माशरे के अंदर समाज के अंदर बहुत कुछ तालीम का मैार बढ़ हुआ है लेकिन आला तालीम की तरफ जाने के लिए हमारे बच्चे बहुत कट ये बड़ा नुकसान है। हम बच्चों को इतना ही तालीम मकानों के अंदर दे रखें हर इलाके के अंदर मदारिस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन तालीम के साथ में उन मदारिस तक हम बच्चों को पहुंचाएं। ये जो जिम्मेदार हजरात यहां पहुंचे हैं यही जिम्मेदार हजरात अगर जिम्मेदारी जिम्मेदारी मतलब ये जिम्मेदारी की बात अगर हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं कि हमारे मकसद के चार बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है हम मदरसे के अल्लाह करते हैं सारे इसमें पेश करें कि मेरे मकतब के अंदर चार बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है ये इदारे में दाखिल कीजिए और उसको आगे तालीम दीजिए।
अब ऐसे साठ अगर मकान में चार चार बच्चे आते हैं, 240 बच्चे एक साथ के, इस तरह हमारे मदरसे के अंदर निजाम तालीम जो मजबूत होगा तो यकीनन हमें आगे रहने मिलेगी, हमें अफराद मिलेंगे, फिर जो दीन के इल्म के एतबार से अपनी कौम की खिदमत करेगा इस तरह करेगा और इससे आगे बढ़ करके दुनिया में असली लाइन के अंदर जाना चाहेगा, उसके लिए इस्तेमाल भैया होंगे तो उस तरफ जाएगा और जाकर के इधर दीन तालीम को मुकम्मल तरीके से हासिल किए हुए होगा और उधर जो है वो दुनिया की तालीम के अंदर जाकर के एक नए जज्बे के साथ में कौम के सामने फट पकड़ के आएगा, यकीन वो कौम का बनेगा, यकीन वो उम्मत का बनेगा और वो सरबलंदी का दर्जा बनेगा। इसलिए मैं जज्बात के साथ में कि आप जरा सा दरख्वास्त करता हूँ मकातब के मुंतजमी अंदाज से, मकातब के जिम्मेदार अंदाज से कि वो इस किस्म की मेहनत करे, बच्चा हमारे पास उसको मैंने कर गया ना हाफिज बना ना आलिम बना, बस सिमनाशी पढ़ लिया बहुत मिसाल हासिल की लेकिन आगे जो है मुझे मेहनत करना चाहिए था जो बंदियों से हासिल होनी चाहिए थी वो खत्म हो जाती। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ यकीनन अगर मेरे समझा तेरे वालिद से मिल करके ये मेहनत न करते मैं उसी वक्त में कट जाता, मैं खत्म हो जाता और मेरी तालीम का कोई भी आदमी सामने न आता। अल्लाह पाक की अकाबरीन की और मेरे असाथा की उन मेहनतों को कबूल फरमाए और जो है अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में इनको जहन्नम में न अता करे। हमें इस काम की कोशिश करनी चाहिए, यकीनन हम इस तरीके से अपने एक घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो वो अपने बच्चे की फिक्र करे, कोई बच्चा नहीं किसी का घर पढ़ने का लायक नहीं है वो भी दूसरे की फिक्र करे। इसलिए ये उम्मत कदर करे वाह एक बदल की तरह, लिहाजा हम ये सोच रहे क्यों मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, अगर यूँ सोच करके हमने किसी को आगे नहीं बढ़ाया तो इसी तरीके से हम पीछे पीछे रहेंगे। अल्लाह तआला ताला हम सबको अमन को भी नसीब फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.